मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिनधर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाये नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है छठवीं शताब्दी में। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा है। योगी निर्विकल्प होता है इस बात की यहाँ पर पुष्टि की गई थी 42 नंबर के श्लोक से। किसी भी हालत में वह विकल्प को नहीं पालता है। कितने प्रकार के विकल्प, तो कहा गया है कि 5 प्रकार के जो विकल्प हैं उन 5 प्रकार के विकल्पों को नहीं पालता है। श्लोक 42 था। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्व विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योगे परायणा। जो योगी योग में परायण है, आत्मलीनता आत्म ध्यान में लीन है, वह जो योगी है किसी भी बाह्य पदार्थ में किमिदम यह क्या है ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं करता है। उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती है कि यह क्या है, कीदृशम कैसा है, ये भाव भी उसमें नहीं आते हैं। कीदृशम यह कैसा है, कस्य किसका है, कस्य किसका है, और कस्मात क्या है, कस्मात क्या है, क्वा कहाँ है। ये 5 बातें हो गई। जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के उलझन में पड़ जाते हैं तो ये 5 बातें हमारे मन में आती हैं, यह क्या है, यह कैसा है, यह किसका है, यह क्यों है और यह कहाँ है। आप कोई भी बात देखिए, कोई भी एक चीज़ आप उठा लीजिए और उसमें आपको इस प्रकार के विकल्प पैदा होने लगते हैं। जैसे कि आपको कोई कपड़ा ख़रीदना है तो यह क्या है, तो यह कपड़ा है, किसका है ये विचार आएगा, कैसा है, सही है, ख़राब है, अच्छा है, बुरा है, कब तक चलेगा, ठीक है ना, तो ये कैसा है, और क्यों है, ऐसा प्रश्न खड़ा होगा, और इसी प्रकार से एक प्रश्न खड़ा होगा ये कहाँ है, किस कारण से है, किस कारण से है, तो ये भी प्रश्न खड़ा होगा। संसार में इन्हीं विकल्पों के कारण प्राणी उलझा रहता है, हर समय हर वस्तु को लेकर के, हर व्यक्ति को लेकर के कोई ना कोई इसमें से विकल्प बना रहता है। किसी व्यक्ति को ले लिया तो ये किस कारण से ऐसा आदमी है, ये कहाँ रहता है, ये किसका आदमी है, ये कैसा आदमी है, और ये क्या ऐसा ये है, इस प्रकार से ये भी विकल्प बना रहता है। तो आप देखो, परिवार में रहो, अपने मित्र दोस्तों के बीच में रहो, ये विकल्प होता है कि जो योगी है वो अपने योग में लीन हो गया, अर्थात अपने मन को
अपने वचन को और अपनी काया को जिसने बस में कर लिया है वो इन विकल्पों को तो करता ही नहीं है, इन विकल्पों को करता ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मैं किस कारण से हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ नहीं जाऊँ, मैं कैसा हूँ, ये विकल्प नहीं लाता है। यदि इस प्रकार के विकल्प के में रहेगा तो उसके जीवन में ग्रस्तपना आ जाएगा। जैसे ग्रस्त सोचता है कि मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, वो सारे जीवन भर के बारे में सोचता रहता है ग्रस्त। मकान बन जाए वरना क्या होगा, शादी हो जाए वरना क्या होगा, बच्चे हो जाए वरना क्या होगा, इस प्रकार से वो उसी में ही फंसा रहता है। यदि योगी बनकर के, साधु संत बनकर के भी इसी प्रकार के विकल्प आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में खड़े होते हैं कि मेरा क्या होगा, यह क्या है, यह कैसा है, कैसा जीवन है, क्यों जीवन है, तो इस प्रकार से ऐसा विचार यदि बार बार मन में आता है तो कह रहे हैं कि योगी अभी योग परायण नहीं है। जिसने मन को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, अपनी काया को जीत लिया है, अपनी काया को स्थिर कर लिया है, मन को स्थिर कर लिया है और अपने वचनों को भी सिद्ध कर लिया है, अर्थात वो वचनों से भी कायर वाले शब्द नहीं बोलते हैं, वीरता के शब्द बोलते हैं। कायर के शब्द मतलब किसी से बोलने बैठ जाएं, भैया बताओ हमारा तो कोई नहीं है, हमारा तो कोई ध्यान रखता नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, हमें कौन पूछता है, ये कौन से शब्द हैं कायर तक के। जो शब्द आप घर में कहते थे वही शब्द आप यहाँ पर कह रहे हो और आप यहाँ कायर बनने नहीं आए हो, आप यहाँ वीर बनने आए हो, एकत्व की भावना से आए हो, एक अकेलेपन की भावना से आए हो कि मैं जीव हूँ, अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा, इस भावना को प्रकट करने के लिए आया हूँ, इसका अनुभव लेने के लिए आया हूँ। लेकिन यदि मुझे इसका अनुभव नहीं हो रहा है और मुझे पर की जरूरत पड़ रही है, मैं पर में लीन हो रहा हूँ, तो कह रहे हैं अभी योगी योग परायण नहीं है, वह अभी योगों में उसने साधा नहीं है, योगों को साधा नहीं है। तो किमिदम, यह क्या है, हर बात में लेकर यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, अरे ये क्या है, ये क्या है, ऐसा विचार आना, अपने आप को उसमें डालना है, अपने आत्मा के स्वभाव से निकल करके विभाव में जाना है। क्योंकि यह क्या है, जब ये विकल्प आएगा तो नियम से राग पैदा होगा या द्वेष पैदा होगा, हम जानेंगे और अच्छा लगा, अरे वाह तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी चीज़ है, तो राग आ गया, नहीं 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 कुछ नहीं बेकार है, हमारे मतलब बेकार, तो द्वेष आ गया। अब वो राग द्वेष कब तक बना रहेगा, कब तक बना रहेगा, बहुत समय तक बना रह सकता है, जब तक उस वस्तु की बार बार याद आएगी, चर्चा चलेगी, वार्तालाप होगी, तब तक उसके प्रति राग या द्वेष पैदा होता रहेगा। तो कितना खतरनाक है किसी भी बाह्य वस्तु को जानना भी, क्योंकि हम जो जानते हैं वो हम अपनी इच्छा से जानते हैं, हम वीतराग भाव से नहीं जानते हैं। वीतराग भाव से वस्तुओं को जानो तो कोई राग द्वेष पैदा नहीं होगा, लेकिन सरागता से, सदोषता से जब हम जानते हैं तो उसमें अच्छे बुरे के परिणाम प्रकट होने लगते हैं और वही विकल्प पैदा होने लगता है।
इसलिए कहा गया है कि किमिदम यह क्या है, ऐसा विकल्प भी मत करो। कीदृशम कैसा है, कैसा है इसके बारे में, इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम इस गहराई में गए कैसा है कैसा है कैसा है, तो फिर तुम जाकर के उसमें फंस जाओगे। और फिर तुम पूछते हो कि यह किसका है, किसका है ये गाड़ी, किसकी है मकान, किसका है ये नगर, किसका है गांव, किसका है ये लोग, किसके हैं ये पुस्तक, किसकी है मंदिर, किसका है, फिर ये वाला विकल्प जो है पैदा होने लग जाएगा, किसका है, कौन इसका मालिक है, और यदि ये है तो किस कारण से है, तो अब इसमें जाओ, ये किस कारण से है ये भी बताओ हमें, कोई ना कोई कारण तो होगा, ये कोई ना कोई कारण तो होगा, आज ये व्यक्ति अमीर बन गया कोई ना कोई कारण तो होगा, ये गरीब है तो कोई ना कोई कारण तो होगा, ये दुखी है तो कोई कारण तो होगा, ये सुखी है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अब उसके कारण को खोजते रहो, अब लगाओ कारण कितने कारण हो सकते हैं, तो अनंतों कारण जो है उसमें पैदा हो जाएंगे, तो फिर आप उसमें फंस गए। फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, जैसे कोई वस्तु है ये मीठा है, आम मीठा है, अब ये कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, तो अब उसके बारे में पता करो, सारा रिसर्च करते रहो। तो ये सारे की सारे बातें जो है किसी भी एक वस्तु को लेकर के कितनी उलझने पैदा हो जाती है। कह रहे हैं कि जो योगी अपने योग में है, अपने आप में है, ऐसा जो योगी है वह इस प्रकार के विकल्पों को नहीं करता है। और यहाँ तो ये भी कह रहे हैं स्वदेहम अपि ना अवेति, वह तो अपने स्वदेह में भी ना अवेति, अपने स्वदेह में भी नहीं जानता, अपने स्वदेह को भी नहीं जानता है, अपने स्वदेह में भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करता है, यह कैसा है, ये क्यों ऐसा है, इसका क्या होगा, क्या करें, ये ठीक रहे, ये स्वस्थ रहे, इस प्रकार का इसका भी विकल्प नहीं करता है। जब अपने शरीर का ही विकल्प नहीं करता है तो पर पदार्थ का विकल्प कैसे करेगा, पर पदार्थ का विकल्प भी उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन को, जो योगी योग में परायण हो गया है, हम अपने आत्म ध्यान में हैं, अपने लीन हैं, अब वहाँ पर जाकर के हम जब अपने स्वदेह का विकल्प नहीं कर रहे, अपनी देह का विकल्प नहीं कर रहे, फिर पर का विकल्प कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है जैसे कोई संत महात्मा ध्यान में हो, ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान के समय ठंड भी लग सकती है, गर्मी भी हो, मौसम ठंड का भी हो सकता है, गर्मी का भी हो सकता है, ठीक है ना, अनेक उपसर्ग और परिसर भी हो सकते हैं। जब योगी वो ठंड की गर्मी की परिसर की उपसर्ग की चिंता नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो कि सब देह में हो रहा है, देह के निमित्त से हो रहा है, ठीक है ना, देह के निमित्त से आत्मा को अनुभव हो रहा है, जब बोले वो देह का विकल्प नहीं कर रहा है, तो क्या योगी ध्यानस्थ वाला योगी जो है बाह्य जगत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इस प्रकार का विकल्प लेके बैठेगा क्या। जब उसे देह की चिंता नहीं है तो दुनिया की चिंता कैसे हो सकती है, उसे तो अपने देव की चिंता है, अपने देव परमात्मा की चिंता है, स्वयं भगवान आत्मा की चिंता है, उसे देह की चिंता नहीं है तो दुनिया की चिंता भी उसे नहीं हो सकती और नहीं होना चाहिए।
और यदि उसे देह की चिंता के छोड़ो दुनिया की चिंता हो रही है, इसका मतलब है अभी वो योगी योग परायण नहीं है, योग को अच्छी तरह से समझा नहीं है या योग को अच्छी तरह से साधा नहीं है। इसी को साधने में बहुत समय लग जाता है। ये मत समझना कि महाराज जी बनते ही योग को साध लिया। आज का महाराज जी बना हुआ तुम सोचो योग को साध ले, हजार हजार वर्ष लग सकते हैं और लगे। महामुनिराज आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गया योग को साधने में। और कुछ ऐसे भी हैं जो अंतर्मुहूर्त में साध लेते हैं, वस्त्र उतारते ही अंतर्मुहूर्त में योग को साधा और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, भरतेश्वर, भरत चक्रवर्ती। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको 1000 वर्ष लगे। तो सभी को एक ही धारा में मत गिनना। महावीर भगवान को 12 महीने लग गए, 12 साल लग गए, और बाहुबली भगवान को 12 महीने लग गए, मल्लीनाथ को 6 दिन में काम हो गया। तो कैसा योगी किस प्रकार से अपने योग को साधता है, सबकी इस प्रकार की अपनी अलग अलग साधना होती है, अपनी मना स्थिति, क्योंकि सबका मन अलग है ना, सबके भाव अलग है ना, तो सबको अपने भावों को कंट्रोल करने में कैसी साधना करना है, सबका अलग है। इसलिए कोई जल्दी मोक्ष जाता है, कोई इस बाद में जाता है, कोई कितने भाव लग जाते हैं, मुनि बनते बनते कितने भाव लग जाते हैं, सोचो, एक भाव छोड़ो, कितने भाव बीत जाते हैं, तब जाकर के उसका आत्म कल्याण हो पाता है। तो कह रहे हैं कि जिसको तन की भी तनिक परवाह नहीं है, उसको तनु की भी क्या परवाह होगी, उसको तनु तन की परवाह नहीं है, तिनकी की क्या परवाह होगी, एक तिनका की जिसकी इच्छा नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं है, उसको ढेर सारा ये परिग्रह की क्या जानने की इच्छा होगी, क्या उसमें विकल्प को प्राप्त होगा, अर्थात वह विकल्प को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सच्चा योगी बने, यही लिखा हुआ है, यह क्या है, यह कैसा है, यह किसका है, यह किस कारण से है और ये कहाँ है, इस प्रकार के अविशेषण विशेष विचार न करता हुआ, कोई विशेष विचार न करता हुआ, स्वदेहम अपि न वेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता है, अर्थात निर्विकल्प की दशा को प्राप्त होता है। तो ऐसी निर्विकल्प दशा हमें प्राप्त हो, हम भी उस मार्ग में बढ़ सकें, ऐसी भावना भाना चाहिए। शेष विसर्गल, जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो, हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।